तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग एंड इवनिंग का बहुत ही चटपटा सी ब्रेकफास्ट। आप इसे कभी भी बनाकर खा सकते हो वैसे, लेकिन इसको बनाने के लिए मैंने एक कप लिया है मूंगफली यानी कि पीनट्स। इसको अच्छे से उबाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को बहुत ही बढ़िया से बारीक सा कट किया है और दो हरी मिर्ची लिए हैं, एक टमाटर लिया है और यहाँ पे मैंने एक आलू को भी उबाल लिया है। आलू आप इस तरह से चाहे तो ग्रेट कर सकते हो, वरना आप इस तरह ग्रेट करने के बजाय डायरेक्टली हाथों का इस्तेमाल करके ठेले वाले भैया के जैसे इस तरह से हाथों से ही मैश कर सकते हो। तो मैं यही मेथड इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे मसाले ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे हरी मिर्ची सबसे पहले ऐड कर लेती हूँ। हरी मिर्ची आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही रेड चिली पाउडर कम या ज़्यादा कर सकते हो ये भी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला। खूब चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं ऐड करूँगी भुना हुआ जीरा पाउडर। इससे बहुत ही बढ़िया से टेस्ट आएगा। बहुत ही चटपटा नाश्ता हमारा बनकर जो है ना तैयार होगा। अब मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड करूँगी। इससे फ्रेशनेस मिलेगी और खुशबू और टेस्ट दुगनी हो जाएगी। साथ ही नींबू भी निचोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहे तो नींबू को स्क्वीज़ कर सकते हो या फिर वो नींबू स्क्वीज़र आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए, आप बढ़िया से मिक्स करना है। अब ये हमारा चटपटा नाश्ता मॉर्निंग हो या इवनिंग, अभी तो फ़िलहाल बारिश चल रहा है, आप तो कोई भी मौसम में कोई भी टाइम पे इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हो। जब चाहे चटपटा खाने का तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं। तो अब ये हमारी बढ़िया सी डिश जो है तैयार हो गई है, मगर इसको सर्व करना बाकी है। तो इसको नींबू से मैं सर्व कर दूंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, दिखने में भी कितनी खूबसूरत है, खाने में तो सुपर टेस्टी है। तो आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।